नमस्ते साथी सब, अपने सबके स्वागत छ हमर यूट्यूब चैनल मल्टीपल नॉलेज में। अइ चैनल मार्फत अहाँ सब शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन, राजनीति आ खेलकूद संबंधी संपूर्ण जानकारी ल सकै छी। अगर अहाँ सब अभी तक हमर यूट्यूब चैनल मल्टीपल नॉलेज के सब्सक्राइब नहीं कयने छी तो कृपया अभी सब्सक्राइब करू ताकि हमर वीडियो सबसे पहले अहाँ लग पुगे। धन्यवाद। नमस्ते साथी सब, आइ हम अपना सबके SSC एग्जाम में सबसे बेसी पूछे वाला प्रश्न लगाएल छी जे SSC में बहुत बेर पूछ चुकल है। बहुत विद्यार्थी के एमे कन्फ्यूज भात रहे छे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम लिख कर प्रमाणित की कहे कर F=g(m1, m2)/d²। हमरा से क्वेश्चन की है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम लिख कर आ प्रमाणित की कहे कर हमरा सबके F=g(m1, m2)/d²। तो सबसे पहले अहाँ के हम कह दी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम की है ने? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम आ एकरे कहते कब तक की कह दी है, न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण संबंधी विश्वव्यापी नियम। एक मतलब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम आ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी विश्वव्यापी नियम की दोनों की है एकटा बात है। तो आप देखियो अपना सबके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम कह की रहा है, तो हम पहले अहाँ के एक बार नेपाली पढ़ के देखा छी, बाद में अहाँ के मैथिली में समझा देव। तो लिखल की थे, कुने दुईवटा वस्तु बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तु पिंड को गुणनफल संग समानुपातिक र तिनीहर को बीच को दूरी को वर्गसंग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यी नियम अपना से की कह चाह रहा है, अगर कोनो दुटा वस्तु है कि है कोनो दुटा वस्तु है, अगर ओकरा दुनू के बीच में की है एकटा बल उत्पन्न होए है। ऐसा गिलका वीडियो में हम एकटा देने छलिए गुरुत्वाकर्षण बल ककरा कहबे, तो गुरुत्वाकर्षण बल अपना सब ककरा कहे छे, कोनो दुटा वस्तु के बीच में एकरा तनते आ एकरा तनते, तो उ कोनो जब बल लगते नहीं तो ओकरा दुनू के बीच में जे बल उत्पन्न होते ओकरा अपना सब की कहे छे गुरुत्वाकर्षण बल। दुए कह रहल है कुने दुईवटा वस्तु बीच उत्पन्न है गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब ए दुनू वस्तु के बीच में जे गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हेते से अ दुनू वस्तु के पिंड जोड़े पिंड के गुणनफल, मतलब गुणनफल के मतलब अ दुनू के जे गुणा क के जे अते तेरा कथी कहे हम गुणनफल, तो एकर पिंड कहते हैं M1 आ एकर पिंड कहते हैं M2, तो एकरा दुनू के गुणा जे करबे तो कहते थे अपना सबके M1 आ M2। तो कोनो भी दूटा वस्तु के बीच में उत्पन्न जे गुरुत्वाकर्षण बल होय है ओहि दुनू वस्तु के पिंड के गुणनफल जोड़े की होय समानुपातिक। आप समानुपातिक ककरा कहबे, तो आप समानुपातिक के मतलब की होय छे, अगर एक कता के जे हम एकर मान जे बढ़ा देबे तो दोसर को मान की होते तो बढ़ते, और अगर एक कता के घटा देबे तो दूसरो कता की होते घटते। मतलब अइला M1 आ M2 की है पिंड है दोनों वस्तु के, अगर ए दोनों वस्तु के पिंड के हम की करिए घटा देबे तो एकरा दोनों के बीच में जो उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल छे तो गुरुत्वाकर्षण बलो की हेते घट जते, तहिना ए दोनों वस्तु बीच के हम पिंड के की करबे हम बढ़ा देबे तो एकरा दोनों बीच जो उत्पन्न जो गुरुत्वाकर्षण बल छे वह की होते बढ़ जते। तहिना हमरा सबके दोसर पॉइंट में कथी छे, तीनहर को बीच को दूरी को वर्ग संग व्युत्क्रमानुपातिक। आप कथी कह रहल है, ये दूटा जो वस्तु छे ओकरा बीच के तो दूरी है वो कथी अपना सबके डी, तो ओ दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, अ दूरी के वर्ग के दूरी के वर्ग जोड़े कथी है व्युत्क्रमानुपातिक। तो व्युत्क्रमानुपातिक आप ककरा कहबे हम, तो व्युत्क्रमानुपातिक ककरा कहबे हम, व्युत्क्रमानुपातिक ककरा कहबे हम, अगर एक कता के मान जो हम बढ़ेबे तो दोसर कता के मान की होते घटते, एक कता के मान जो हम बढ़ेबे तो दोसर कता की होते घटते, आ एक कता के मान जो हम घटेबे दोसर कता की होते बढ़ते। मतलब अ दुनू बीच के जे दूटा जो पिंड छे अ दुनू दुनू वस्तु के पिंड के हम के दूरी जे है जे हम अगर कम कर देबे तो दुनू बीच में जे गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होते की होते बढ़ते, आ तहिना अ दुनू वस्तु बीच के दूरी के जे हम बढ़ा देबे तो एकरा दुनू के बीच में जे गुरुत्वाकर्षण बल से की होते बढ़ते। तो आब अहाँ से साथ सब बुझ गेल हेबे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम की कह रहा है,
कोनो भी दुटा वस्तु है अगर ओकरा दुनू वस्तु बीच के गुरुत्वाकर्षण बल एफ आ ओकरा दुनू वस्तु बीच के दूरी डी छे ने अहाँ के हम इला प्रमाणित कर में देखा रहल छी एला दुटा वस्तु है एकटा के पिंड एम वन है एकटा के एम टू तेना ओकरा दुनू वस्तु बीच के दूरी की है डी आ ओकरा दुनू बीच उत्पन्न जे गुरुत्वाकर्षण बल से कते है एफ तो हम वह लिखने छे ला मानो कुने दुई वस्तु को पिंड क्रमशः एम वन र एम टू तिनीहरु बीच को दूरी एकर आ एकर बीच के दूरी डी र तिनीहरु बीच उत्पन्न होने गुरुत्वाकर्षण बल एफ एकरा दुनू के बीच में उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल कते है एफ भए गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम अटा आब इन नियम अनुसार की कह रहे थे अनुसार चलू आब गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम की कह रहा है पहलका पॉइंट कोनो दूटा वस्तु के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल एफ की है ओकरा पिंड के गुणन फल जोड़े कथी है समानुपातिक तो एफ वेरीज एम वन इंटू एम टू समानुपातिक भेल एकरा समीकरण अपना सब करू एक मान लू अहिले लिख दियौ दूरी लाए स्थिर मानदा दूरी लाए स्थिर मानता दूरी की करें अपना सब कथु नहीं करू ओकरा हम स्थिर राखि देबै कॉन्स्टेंट राखि देबै तहिना दोसर बुदा कथी छलै तिनीहरूको बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक आब एका दुनू बीचके दूरी कते डी है आ एकर वर्ग करबै तऽ कथी हेतै डीके स्क्वायर तऽ एकरा व्युत्क्रमानुपातिक कऽ दियौ एफ वेरीज वन बटे डी स्क्वायर एकरा समीकरण की कऽ दियौ दू मानि दियौ एहिमे लिख देबै एहिमे एकरा अपना सबके कहने छलै दूरीके कंस्टेंट रखने छलै एहिमे की करू एकरा दुनू बीचके पिण्डेके एकरा दुनूके पिण्ड की करू स्थिर कऽ दियौ मतलब कंस्टेंट कऽ दियौ कथु नहि करै पिण्डके एगो जेनेके तेने राखि देबै हम तऽ एम वन आ एम टू की करै स्थिर भाइमा मतलब कंस्टेंट रहतै आब समीकरण एक आ समीकरण दू के जे हल करबै तऽ कते आते अपन सबके एफ वेरीज एम वन इंटू एम टू बाय डी स्क्वायर एते एते आब देखियौ साथ सब अपना सबके प्रमाणित करय में कते चाहिए ला बराबर चाहिए लेकिन एला अपना सबके कथी चल अलै वेरीज तऽ आब एकटा नियम छै अगर ई वेरीज कह रहे है तो ई वेरीज के जे हटेबै तो ओइले कथी अभी वेरीज के सटा पर बराबर आ बराबर अपना जोड़े की करी एकटा कंस्टेंट ल कबै तऽ आब कंस्टेंट देबी कथी तऽ अहाँ सब मना कंस्टेंट ए बी सी डी में से कोनो धऽ सकै छी लेकिन अहाँ सबसे पहिले देखब कि अहाँके मांग की रहल है तऽ एहिले अपना सबके मांग की रहल है कैपिटल जी तऽ ओहि दुआरे हम की करबै कंस्टेंट के रूप में की धरबै कंस्टेंट तऽ आगे कहने छलै वेरीज जे हटै है तऽ कहि धराइ है बराबर आ ओकरा साथ साथ कथी में एकटा कंस्टेंट कंस्टेंट हम ए बी सी डी में से कतौ धऽ सकै छी मतलब हमरा जे चाही से धरबै तऽ तहिना अगर कहुअ बराबर आ कंस्टेंट रहै है तऽ एकरा दुनू के जे हटबै तऽ फिर कथी चल अतै वेरीजे चल अतै लेकिन हमरा लग है कथी वेरीज तऽ वेरीज हटाबै के छै तऽ वेरीज जे हटेलियै हम तऽ कथी लिए बराबर आ एकटा कंस्टेंट कथी लिए कैपिटल जी ई वेरीज हटि गेलै आब कथी चल अलै बराबर आ कंस्टेंट के रूप में कथी लेलै कैपिटल जी तऽ आब हमरा सबके प्रमाणित भऽ गेलै आब एफ बराबर जी एम वन एम टू बाय डी स्क्वायर इएह कहै छलै ने अपना सबके प्रमाणित करब एफ बराबर जी एम वन एम टू बाय डी स्क्वायर आब अयलै जी कथी है जी एटा आशा छै कि ई वीडियो अहाँ सबके बहुत नीक लागल हैत एहि वीडियोके बेसी गोटे लग पुगाबैके लेल बेसी से बेसी लाइक आ शेयर कऽ दियौ कोनो सुझाव आ प्रतिक्रिया है तऽ नीचा देल कमेंट बॉक्समे अहाँ सब लिख सकै छी धन्यवाद।